नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवाल शर्मा जी टेक्निकल से, और आज हम करने जा रहे हैं ज़ोलो ब्लैक का गेमिंग बैटरी और टेम्परेचर परफॉर्मेंस टेस्ट। फिलहाल के मैं आपके लिए मैं आपको दिखा दूं कि वीडियो की फ़ोन की जो बैटरी है वो है 33% पे, और इसका जो टेम्परेचर है वो 35 डिग्रीज पे है। उसके साथ ही मैं दिखा दूं आपको कि हमने इसे कल शाम को फुल चार्ज किया था, लगभग आप देख सकते हैं 7 बजे पूरा चार्ज हो गया था, और 7 बजे से लेकर अभी तक यानी कि 11:17 तक इसने लगभग 16 घंटे का बैकअप दिया है। हमने इसमें ज़्यादा कुछ यूज़ नहीं किया, नॉर्मल बस इंटरनेट ब्राउजिंग सर्फिंग की है। गेमिंग का रिव्यू हम अभी करने वाले हैं इसमें, तो गेमिंग शुरू करने से पहले आपको दिखा देते हैं जो टेम्परेचर है वो 33% है, और जो टेम्परेचर है 35 डिग्रीज। छोटी छोटी गलतियों के लिए मुझे माफ़ कर दिया कीजिए, क्योंकि अभी इतना क्या कहते हैं उसे एक्सपर्ट नहीं बना हूँ मैं गेमिंग रिव्यू करने के लिए। सबसे पहले हम क्या है लाइट यानी कि हल्की गेम खेलते हैं, और जो इसकी स्क्रीन है काफ़ी रिफ्लेक्टिव है, इसलिए मैंने जो है फ़ोन का फ्लैश भी बंद कर दिया है, और मैं पीछे की बैक लाइट भी बंद कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से गेमिंग का एक्सपीरियंस मिले। पता नहीं दोस्तों इस गेम को क्या प्रॉब्लम है, कभी चलता है कभी नहीं चलता है, अभी 1000 बार बोल रहा है डाउनलोडिंग डाउनलोडिंग, तो इसको बंद कर देता हूँ। मैं मॉडल कॉम्बो 5 खेल लेते हैं, क्योंकि ये गेम तो चल नहीं रही ढंग से। तो आइए हम मॉडल कॉम्बैट शुरू करते हैं गेम को। ये देखिए एक बार फिर से बता दूं आपको, अभी जो टेम्परेचर है 37 डिग्रीज है, और जो बैटरी है 31% है, और टाइम हो रहा है 11:21, और अब हम स्टार्ट करते हैं इसे। अगर आपको थोड़ा बोर लगे तो आप गेम को आगे थोड़ा वीडियो को थोड़ा आगे फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं। कुछ ज़्यादा जल्दी लगती है हमको जाने के आगे। काफ़ी फ्रेम ड्रॉप मुझे नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, काफ़ी कोई स्मूथ नहीं लग रहा है मुझे ये गेम बिल्कुल भी, काफ़ी गेम ड्रॉप फ्रेम ड्रॉप से देखिए आप।
अब ध्यान से देखिएगा, फ्रेम ड्रॉप्स नजर आएंगे आपको। मिशन पूरा हो गया है हमारा। दिखा दूं आपको, टेम्परेचर इंक्रीज हो गया है, जो 2% इंक्रीज हुआ टेम्परेचर 37 से 39, और बैटरी भी 31 से 29, 2% ड्रॉप हुई है। और कनेक्ट कर लेते हैं हम आगे, मैं कनेक्ट कर लेता हूँ एक बार अपने गेम लेवल से, ताकि ये चलिए बाद में करेंगे। एक और मिशन आपको प्ले करके दिखा देते हैं, अवेकिंग, उसके बाद हम एस्पोल टेट पे चलेंगे। देखिए आपको लगेगा कि मेरी गेमिंग स्किल्स इतनी अच्छी नहीं है, तो बिल्कुल मैं यही कहूंगा कि मेरी गेमिंग स्किल अच्छी नहीं है। तो अगर आपको लगे कि टैलेंट घटिया है, जैसे मेरे एक दर्शक ने कहा कि इतना घटिया टैलेंट कहाँ से लाते हो बॉस, तो मैं बता दूं जी भाई, मैं कोई गेमिंग, मुझे कोई गेमिंग का जितना शौक नहीं है, बस थोड़ी छोटी मोटी गेमिंग कर लेता हूँ मैं भी। तो बस आपके रिव्यू के लिए मैं सब इस तरह से गेमिंग लेके आता हूँ कि हाँ आपको ही पता लगे। जो लोग गेमिंग करते हैं उनको ज़्यादा अच्छा पता होता है कि हाँ कहाँ पे क्या लैग है, फॉर्म ट्रेप है, लेकिन मैं सीख रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ आपका सहयोग बना रहेगा इसी तरह से। एक ज़माने में मैं कंप्यूटर पे काफ़ी गेम खेला करता था, कॉल ऑफ ड्यूटी के सारे जितने भी होते हैं, मतलब कि जितने भी वर्जन थे सब खेले थे मैंने। कॉल ऑफ ड्यूटी 5 तक, 6-7 तक खेला था मैंने। उस ज़माने में हम कंप्यूटर पे खेला करते थे, लेकिन जब से मोबाइल आया तब से हम बस इतने बिजी हो गए हैं कि टाइम नहीं मिलता है। कोई बात नहीं, ये मिशन तो पूरा कर ही लेते हैं।
देखते हैं कहाँ तक पार हुआ। चलिए इतना ही ठीक है अभी के लिए। अब हम एसफॉल्ट 8 पे चलते हैं। हालांकि ये वाला गेम बड़ा स्लो है, मॉडल कॉम्बैट। अब हम चलते हैं एसफॉल्ट 8 पे। एसफॉल्ट 8 और आपको टेम्परेचर का लेवल दिखा देते हैं। अभी 40 डिग्रीज तक आ गया ये। अब देखते हैं हम और कितना जा सकता है आगे। फर्स्ट टाइम हम ओपन कर रहे हैं एसफॉल्ट 8। सीधा गेम प्ले स्टार्ट हो करके दिखाता हूँ। गेम शुरू करने से पहले दिखा दूँ कि आपको मैंने इसमें हाई ग्राफिक्स पे सेट कर दिया है, और उसके बाद हम इसको स्टार्ट करेंगे गेम को आगे खेलना। हमने पहला गेम लोड कर लिया है निवाड़ा, ये हम प्ले करेंगे। हाई ग्राफिक्स में है अभी, आपको बता दूं मैं, तो आप देखिए किस तरह से ये परफॉर्म करता है। हालांकि मुझे काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस लग रही है हाई ग्राफिक्स में भी। बाकी आप देख करके बताइए कि आपको कैसी लगी, और जो लोग एसफॉल्ट 8 खेलते हैं उन्हें किस तरह की लगेगा, तो मुझे ज़रूर से देख के बताइएगा आपकी ग्राफिक्स परफॉर्मेंस की किस तरह की है। ये देखिए मुझे काफ़ी अच्छी लगी है, और काफ़ी दिनों बाद मैं फर्स्ट आया हूँ इस लेवल में, तो आप देख करके बताइए कि 41 डिग्रीज गया अभी टेम्परेचर। और थोड़ी गेम खेलते हैं अभी हम। अभी गेम खेलते हैं हमें सिर्फ कितने 18 मिनट हुए हैं, और खेलते हैं अभी। मैं लोड करके आपको दिखाता हूँ। अब टोक्यो लेवल चल रहा है, ये देखिए इसमें काफ़ी हाई इंटेंसिव ग्राफिक्स है जैसा कि मुझे लगता है। देखते हैं हम।
मुझे काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस लगा है इसका, ख़ास तौर पे एसफॉल्ट 8 का। काफ़ी अच्छा कंट्रोल है, देख सकते हैं आप कार के ऊपर। और ये जो वीडियो हम बना रहे हैं, ये बना रहे हैं हम MI4 से, तो स्पेशली मैं आपको बता दूं, और विदाउट फ्लैश के बना रहे हैं और HDR मोड में बना रहे हैं, तो काफ़ी अच्छी MI4 की फ़ोन की क्वालिटी है। हालांकि फ़ोन का जो टेम्परेचर है अभी वो कम से कम 48-49 हो रहा है MI4 का, जो कि एक नेगेटिव चीज़ मुझे लगती है इस फ़ोन के लिए, MI4 के लिए, कि इसको वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए, और ये दूसरे लेवल में भी हम फर्स्ट आए हैं। काफ़ी अच्छा लगा मुझे फिर से। हालांकि टेम्परेचर इसका इतना ज़्यादा नहीं है फ़ोन का पीछे की तरफ से, लेकिन फिर भी मुझे काफ़ी ये गर्म लग रहा है। देखिए टेम्परेचर जो है लगभग 41 डिग्रीज है, इससे अभी ऊपर जा नहीं रहा। हालांकि मैं थोड़ी देर और इसमें गेम खेलता हूँ और फिर आपको फाइनल वर्डिक्ट देता हूँ कि इसमें क्या है एक्चुअल में। मैं और ये आइसलैंड और निवाडा का दूसरा दोनों वर्जन खेल के आपको बताता हूँ फिर। ये देखिए हमने दोनों लेवल और पार कर लिए जो आपको बताए थे, निवाडा का और एलिमिनेशन का, दोनों में हम फर्स्ट आए हैं। काफ़ी अच्छा टैलेंट डेवलप हो रहा है मेरा, तो मैं उन सभी दर्शकों को बताना चाहता हूँ जिन्होंने मेरे टैलेंट पे सवाल उठाया था। ये देखिए 5 स्टार से ये भी मिला है हमें, ये भी हमें 5 स्टार मिला है, ये भी हमें 5 स्टार मिला है। और अब देख लेते हैं, नॉकडाउन को छोड़ देते हैं, टोक्यो वाला फिर से एक बार देख लेते हैं। अभी के लिए मैं आपको बता दूं कि जो टेम्परेचर है 41 पे ही है, इससे ज़्यादा ऊपर नहीं गया है। हालांकि जो यहाँ का नॉर्मल टेम्परेचर है वो कम है काफ़ी बेंगलोर का। मैं आपको दिखाऊं तो बेंगलोर का जो नॉर्मल टेम्परेचर है हमारे पास गूगल नाउ का एक लॉन्चर है जिसमें टेम्परेचर आता है, हमारे पास में 31 डिग्रीज टेम्परेचर है फिलहाल का, तो उस हिसाब से ये 41 पे जा रहा है, लेकिन ज़्यादा भी जा सकता है ये अगर आपका जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो लगभग 38 या 40 के पास रहता है तो। कभी कभी मुझे इसमें लगता है कि ये बिल्कुल हैंग हो जाता है, रिस्पॉन्स नहीं करता है। देखिए अब बीच वाला कहाँ गया पता ही नहीं, नीचे वाला मेन्यू कहाँ चला गया। तो इस तरह से कभी कभी ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। डबल टैप टू वेकअप तो दिया नहीं उन्होंने, डबल टैप टू क्लोज दे रखा है। ये देखो डबल टैप करो ये क्लोज होता है, डबल टैप तो ऑन तो दो भाई। अब देखो कहाँ गया वो, मेन्यू ही नहीं है यहाँ पे आ रहा, क्या करूँ मैं। तो ये तो था हमारा गेमिंग परफॉर्मेंस, बैटरी का टेस्ट और टेम्परेचर का टेस्ट। आपको जैसा कि हमने दिखाया कि जो बैटरी का उफ इतना हैंग हो रहा है, मैं बता नहीं सकता अभी आपको, आप खुद देख सकते हैं कितना हैंग हो रहा है। ये जो टेम्परेचर है 41 डिग्रीज मैक्सिमम गया था, और जो इसका बैटरी ड्रॉप है वो 33% से 18% पे आ गया है। आप देख सकते हैं हमने 11:20 या 21 मिनट पर शुरू किया था और लगभग 35-36 मिनट हमने गेम खेला है, 35-36 मिनट में बैटरी का जो ड्रॉप हुआ है वो लगभग हुआ है 15% का। तो आप देख सकते हैं किस तरह से ये परफॉर्म करता है। और इन फोकस M810 हमने ऑर्डर कर दिया है, अगर आप देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। और आपको बता दें कि लेनोवो K3 Note जो है आज अवेलेबल होगा, 12 बजे होने वाला है बस 2-3 मिनट में, और 11,000 पीस मिलेंगे आपको इसके इस बार। ये देखिए इतनी देर के बाद में S8 का यह आया है। तो ये तो था शर्मा जी की तरफ से आपके लिए गेमिंग रिव्यू। अगर आपको और भी कोई सवाल जानना है, पूछना है इसके बारे में, तो आप बता सकते हैं, हमने आपको बता दिया। ये हाई ग्राफिक्स में हमने गेम खेला, मेरी तरफ से काफ़ी अच्छी ग्राफिक्स क्वालिटी है, परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी है, रैम मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा है इसमें गेमिंग गेमिंग के लिए, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आई मुझे, तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे। अगर आपको कोई और भी सवाल हो गेमिंग के रिलेटेड या इसके बैटरी टेम्परेचर रिलेटेड, तो मुझे बताइएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था स्टार्ट शुरू में कि हमने इसको चार्ज किया था, इसकी बैटरी को चार्ज करने में लगभग 3 घंटे का समय लगा था। हमने इसको इसके साथ में जो अडेप्टर आया था उससे चार्ज किया था, तो 3 घंटे का समय काफ़ी ज़्यादा होता है चार्ज करने के लिए, जैसा कि मैंने ऑब्जर्व किया था। मैं आपको जल्दी से कुछ स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ।
और जिससे हम बताएंगे आपको गैलरी गैलरी उफ पता नहीं कहाँ चलेगी गैलरी, यहीं से दिखा देता हूँ फाइल मैनेजर से इमेजेस। तो ये देखिए मैं बता रहा था आपको स्क्रीनशॉट्स के बारे में कि हमें कितना समय लगा इसको फुल चार्ज करने के लिए। हालांकि इस मुझे इसमें कोई गैलरी नहीं मिली कि गैलरी एक्चुअल में है कहाँ पे। ये देखिए तो हट जा भाई, ये देखिए 5 बजकर 5 बजकर जब 32 मिनट हुए थे तब हमने इसकी जो बैटरी थी 5% हो गई थी और तब इसे चार्जिंग पे लगाया था। तो आप देख सकते हैं 5% से लेकर 60% तक होने में इसे लगभग 1 घंटा और 5 मिनट का समय लगा, और उसके बाद इसे 95% होने में 8 बजकर 19 मिनट यानी कि और 1 घंटा और 20 मिनट का समय लगा था। तो चार्जिंग काफ़ी स्लो है मैं कह सकता हूँ, और उसके बाद में जब ये पूरा चार्ज हो गया तो लगभग 36 घंटे का ये टोटल बैकअप बता रहा था। हालांकि ये चार्ज लगभग 8:30 या 8:45 के लगभग हो गया था, लेकिन ये 15 मिनट और ये ट्रिकल चार्ज के लिए चलता रहा। तो लगभग इसको आप देख सकते हैं 3 घंटे लगे हैं चार्ज होने में, और उसके बाद इसने बोला कि 26 घंटे का बैकअप ये दे सकता है। और इसी बीच में आपको बता दूं कि मैंने 2 लिनोवो K3 नोट बुक कर दिए हैं, मेरे दोनों के दोनों K3 नोट आ गए हैं कार्ट में, दो अलग अलग अकाउंट्स में। और जी हाँ, तो ये था हमारा बैटरी का परफॉर्मेंस आपके लिए, टेम्परेचर हमने आपको दिखाया, गेमिंग आपको दिखाया, तो तीनों के तीनों टेस्ट हमने आपके लिए कर दिए हैं। और बैटरी की मैं ड्रॉप की बात करूं तो आप देख सकते हैं कल हमने इसको चार्ज किया था और 5 से 10 मिनट के लिए हमने इसे और चार्जिंग पे लगाया था वो सिर्फ डेटा सिंक करने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि अभी भी ये दिखा रहा है कि 3 घंटे और चल सकता है, और अगर इसके ऑन स्क्रीन टाइम की बात करें तो इसका जो ऑन स्क्रीन टाइम मिला हमें 3 घंटे 4 मिनट का मिला है। हालांकि ये गेमिंग के हिसाब से और हमने जो नॉर्मल यूज़ किया उस हिसाब से कम है, अगर जो ऑन स्क्रीन टाइम है लगभग 4 या 4.5 घंटे मिलता है तो हम कहते हैं कि काफ़ी अच्छा फ़ोन है। अगर 4.5 घंटे से ज़्यादा कोई भी फ़ोन स्क्रीन टाइम दे देता है तो वो एक बहुत ही अच्छा फ़ोन माना जाता है बैटरी बैकअप के कैपेसिटी में। हालांकि इसकी जो बैटरी 3200 mAh की बताई गई है लेकिन जो स्क्रीन टाइम है अभी भी कम है, और आप देख सकते हैं अभी भी 16% की बैटरी जो है बची हुई है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि शर्मा जी का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा जिसमें हमने गेमिंग के बारे में, टेम्परेचर के बारे में, बैटरी चार्जिंग और डिस्चार्जिंग और स्क्रीन टाइम के बारे में बताया आपको। अगर आप और भी कोई वीडियो देखना चाहते हैं जोलो ब्लैक के लिए तो आप ज़रूर से मुझे बताइएगा, मैं कोशिश करूंगा उसके लिए आपको एक वीडियो बना के समझाने की किस तरह से इसके बारे में परफॉर्मेंस होती है। हालांकि कभी कभी ये हैंग हो जाता है लेकिन जब गेमिंग परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो गेमिंग परफॉर्मेंस एसफोल्ट 8 की काफ़ी अच्छी मुझे मिली है, और जो जिन लोगों ने रिव्यू किया इंग्लिश में मुझे उनका पता नहीं, लेकिन मेरी तरफ से इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको एक थम्स अप है गेमिंग के लिए एसफोल्ट 8 स्पेशली, कोई हाई ग्राफिक्स में कोई भी मुझे परेशानी लगी नहीं। लेकिन आप इसको देखिए, अगर आपको लगता है कि फ्रेम ड्रॉप्स हैं तो मुझे बताइए, मैं और से एक टेस्ट करने की कोशिश करूंगा। मैं उम्मीद करता हूँ मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा, और जो लोग मुझे इस वीडियो को लाइक करना चाहते हैं और मुझे धन्यवाद देना चाहते हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि आप धन्यवाद के साथ साथ इस वीडियो को जितना शेयर कर सके उतना शेयर कीजिए, क्योंकि जितना आप शेयर करेंगे उतना लोग मुझसे जुड़ेंगे, मेरी वीडियो को देखेंगे और मेरे चैनल को मदद मिलेगी आपके लिए इसी तरह से हिंदी में कंटेंट लाने के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी और आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे। श्यामा जी टेक्निकल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, हम मिलेंगे आपसे जोलो ब्लैक के अगले वीडियो में, तब तक आप बने रहिए हमारे साथ और ज़रूर से आप अपना कमेंट कीजिएगा कैसा लगा आपको ये वीडियो, अपने सुझाव शिकायतें सब कुछ आप मुझे यूट्यूब के कमेंट सेक्शन से दे सकते हैं और मैं ज़रूर से उसका जवाब दूंगा। शर्मा जी की तरफ से आपको बहुत बहुत